ये कहानी उस अस्त्र की है जो इस पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने की शक्ति रखता है, और इस अस्त्र का जन्म हुआ असुरों के कारण, जब असुरों ने कैलाश पर आक्रमण किया। माँ पार्वती ने महाकाली का रूप धारण किया और असुरों का संहार किया, और माँ काली का क्रोध बढ़ता जा रहा था। अपने के लिए महादेव ने अपने त्रिनेत्र का प्रयोग किया, अर्धनारेश्वर रूप धारण किया। इस दौरान उस अस्त्र का जन्म हुआ। अकेले ही पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने की शक्ति रखता है। अब उस अस्त्र के पीछे हर वो शैतान है जो सृष्टि में अंधेरा कायम करना चाहता है। उस अस्त्र को सुरक्षित रखने के लिए तीनों देवों ने उसे एक बच्चे का रूप दिया और धरती पे भेज दिया। और इस अस्त्र का सबसे बड़ा दुश्मन खुद भोलेनाथ का अंश अर्धनारेश्वर रूपी नारेश्वरी जो इसे हासिल करना चाहती है। मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया और तुम नाकाम रहे। तुम सबको अगर अपना जीवन प्यारा है तो जाओ धरती पे और वो सूर लेके आओ, अन्यथा इसके जैसे हाल होगा। असंभव, उसे कैसे पता लग गया कि सूल धरती लोक पर छिपा हुआ है? मुझे सूल की रक्षा के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा।